बोलिए मैडम, क्या चाहिए? भाई साहब, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? वैसे बच्चे को बहुत भूख भी लगी है, थोड़ा दूध होगा? हाँ हाँ, दूध मिलेगा, लेकिन उसके लिए 10 रुपए लगेंगे। 10 रुपए? मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आई? चलिए फूटिए यहाँ से। भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत भूखा है, थोड़ा सा दूध दे दीजिए, उसके बदले मैं आपके बर्तन मांज दूंगी। भूखा है तो मैं क्या करूँ, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है। निकलिए यहाँ से। अक्षय, सुबह के 7 बज चुके हैं, अभी तक पता नहीं वो ममता दुनिया के किस कोने में जाकर हमारे क्रिश को लेकर छिप गई होगी। मम्मी जी, मेरा क्रिश। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए जजमान, शादी के लिए पूजा की सामग्री ले आइए। आज यहाँ कोई शादी नहीं। ऐसा अशुभ मत बोलिए जजमान। इसे माफ कर देना पंडित जी, पर सच में यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है। अनंत, पंडित जी को बाहर तक छोड़ आना और उनकी दक्षिणा भी चुका देना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए पंडित जी। मम्मी जी, मैं तो ममता की शादी करवाना चाहती और वो मेरे बच्चे को लेकर भाग, पता नहीं कहाँ होगा मेरा क्रिश, मेरा बच्चा कहाँ होगा? क्रिश, क्रिश रो मत बेटा, आजा मेरे पास आजा। क्रिश तू एकदम मत रो, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, तुझे पता है ना, तो बिल्कुल मत रो, मैं हूँ ना। हाँ देख, अगर तू ऐसे ही रोएगा ना तो मुझे लगेगा कि तुझे यहाँ पर लाने का मेरा ये कदम झूठा है, गलत है। मत रो, चुप हो जा क्रिश, एकदम चुप हो जा। हाँ एकदम चुप। आप लोग, सुलोचना, मेरा नाम सुलोचना है और ये है मेरे पति मदन। नमस्ते। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। लीजिए, बच्चे के लिए दूध और बिस्किट। जी नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं है, लेकिन इस बच्चे को तो है ना। और फिर इंसान वही होता है जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आता है। ले लीजिए ना, लीजिए ले। ये लो बेटा। बस बहुत हो चुका इंतजार, लगता है मुझे जाना ही होगा। कहाँ जा रहा है तू अक्षय? ममता को ढूंढने? नहीं दादी माँ, पुलिस स्टेशन, ममता के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने। भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है चलो। अरे बधाई हो तनीषा, बधाई हो। हमें तो लगा था कि तुम हमारा स्वागत शहनाइयों से करोगी। पंडित जी कहाँ हैं? और ममता भी दिखाई नहीं देती। वो दरअसल मैं, ममता मेरे क्रिश को
लेकर भाग गई है। क्या क्या कहा तुमने? मगर मेरे 1,00,000 रुपए का क्या होगा? तुम्हें अपनी पड़ी, वो मेरा ब्लैंक चेक उड़ा कर ले गई। सुना तुमने, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरे क्रिश को ले गई वो, मेरे बेटे क्रिश को। मगर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो तुम पर और श्रीवास्तव परिवार की जुबान पे भरोसा किया था। हमें क्या पता था कि श्रीवास्तव परिवार अपनी बात से मुकर जाएगा, वरना मैं अपने भाई का रिश्ता ममता के साथ कभी जोड़ती नहीं। देखिए, आपका गुस्सा जायज है, मेरा यकीन कीजिए, आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सबको बहुत अफसोस है। इसलिए मैं पूरे श्रीवास्तव परिवार की तरफ से आपसे और आपके भाई से माफी मांगता हूं। चलो, देखा मम्मी जी, आज ममता की वजह से हमें बिना किसी कसूर के किसी से माफी मांगनी पड़ी। कितना भूखा था ये, कितने अच्छे से दूध और बिस्किट खा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं आप लोगों का ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। आप भी कमाल करते हैं, मदद को आपने एहसान का नाम दे दिया। नहीं नहीं, एहसान तो एहसान ही होता है। आप लोग मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं गाँव पहुँचते ही आप लोगों को आपके पैसे भिजवा दूंगी। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बहुत भोली है आप भी। अरे आपके पास दूध के पैसे तो है नहीं, आप गांव कैसे जाएंगे? देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं आप लोगों से पैसे लेकर आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर कोई और रास्ता है तो बताइए। और रास्ता? हाँ, यहाँ पास में ही हमारा मोटल है, सागर मोटल। जी मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसमें सोचना और समझना क्या है, बस थोड़ा काम करके पैसे जोड़ लूंगी, फिर शहर पर चली जाऊंगी और इनके मोटेल में मुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा। तो क्या सोचा आपने, मंजूर है आपको? जी मुझे मंजूर है। चलो क्रिश, उतरो, चलिए। तुम्हारे कमरे की चाबी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, मैं आप लोगों को कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम अगर भूलना भी चाहो तो हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। जी आओ क्रिश, जल्दी आओ। आई थिंक हमने ऑलरेडी बहुत वक्त गवा दिया है भैया, हम क्रिश को लेके और चांस नहीं ले सकते। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओह गॉड, अगर पुलिस ने ममता को पकड़ लिया तो वो सबको बता देगी कि क्रिश की असली मां वो है, और फिर डीएनए टेस्ट से तो ये बात बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाएगी। फिर ममता नहीं, मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे अक्षय को पुलिस स्टेशन जाने से रोकना ही होगा। हाँ, सोच क्या रहे भैया, लेट्स गो। चलो। नहीं अक्षय, तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाओगे, हमें ममता के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवानी। क्या क्या बकवास कर रही है तुम? अभी कुछ देर पहले तुम खुद क्रिश के लिए कितना रो रही थी, क्रिश कैसा होगा, क्रिश कहाँ होगा, ये होगा वो होगा, अब जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं तुम मना कर रही हो। कैसी माँ हो तुम? मैं एक माँ ही नहीं, इस खानदान की बहू भी।
मुझे अपने बच्चे के साथ इस खानदान की इज्जत की भी फिक्र है। उस दिन शराब पीकर जो तुमने तमाशा किया, अगर उसका गलत फायदा उठाकर ममता ने कोई कंप्लेंट लिख दी तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। सुनो, मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, सिर्फ क्रिश की परवाह है, मेरे बेटे क्रिश की, समझी? और पता है क्रिशु, फिर लक्ष्मी बाई ने अपने बेटे को घोड़े पर बिठाया और फिर वो लड़ाई में उसको लेकर गई अपने साथ। उन्होंने अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने से बिल्कुल मना कर दिया। ममता, ये क्या नाटक लगा रखा है? जब से आई हो बच्चे के साथ खेले जा रही हो, और ये बर्तन अभी तक नहीं हुए क्या? धीरे धीरे हाथ चला रही हो महारानी की तरह, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये घूर घूर के क्या देख रही हो? अरे पैसे देंगे तो काम तो लेंगे ही ना। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे एक गलत कदम की वजह से मैं अपने कृष को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। अक्षय, तुम नहीं समझ पा रहे हो मुझ पर क्या बीत रही है। तुम समझती क्यों नहीं हो तनीषा? लेकिन ये तुमसे क्यों बहस कर रहा हूं? भाभी, क्या 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 भाभी? अभी संभालिए अपने आप को। तनीषा, अभी क्या हो रहा है? तनीषा बेटा, क्या हुआ तुझे? तनीषा बेटा, अभी अभी फुलवारी पानी लेके आओ। जा जा, फुलवारी पानी ले आ। तनीषा बेटा, आप ठीक है ना? तनीषा बेटा, क्या हुआ? तनीषा, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। ये क्या हो रहा है? हाँ, शादी वाले माहौल में ये मातम क्यों छाया हुआ है? ये क्या हो रहा है? ओए पकड़ इसको। क्या हुआ मेरी तनिष को? अरे पानी लाओ, मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया। अरे कोई तो बताओ क्या हो रहा है तनिष, बताओ। आंटी जी, बात ये है कि कल रात ममता दीदी हमारे क्रिश बाबा को लेकर गायब हो गई। हम लोग बहुत चिंतित हैं, उनका कोनू पता नहीं चल रहा, पता नहीं क्या करे। ये तो पता था मुझे, ये तो होना ही था। अरे कितनी बार बताया, कितनी बार कहा, कोई सुने तब ना। अरे समझ को, समझ को, समझ के समझो। पानी, समझ समझना भी समझे। अब मैं क्या कहूँ, मुझे पता नहीं ममता की बच्ची ये सर्वनाश जरूर करेगी। मदन जी और सुलोचना का व्यवहार मेरे प्रति भले ही बदल गया हो, पर उन्होंने मुझे काम दिया है। बस कल का दिन, फिर हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम दोनों शहरपुर जा पाएंगे। मुझे तू मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ पता चला ममता का? नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, न तो ममता का कुछ पता चला है और ना ही क्रिश की कोई खबर मिली है। तो आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? Well, मुझे लगता है कि हमें टीवी और रेडियो में सूचना दे देनी चाहिए, अखबार में भी इसे पब्लिश करा देना चाहिए। नहीं अक्षय, इससे तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। सुनो। जी अक्षय भैया। ममता और कृष की तस्वीर लेकर। जी अभी लाए। मिस्टर श्रीवास्तव, आप बुरा मत मानिएगा, आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। हम लोग आप लोगों को बार बार सावधान करते रहते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करो, कुछ भी हो सकता है। एक बार के लिए हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं भूल सकते कि एक बच्चा मां की जान होता है।
और आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से एक माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा है आप लोगों को? ये लीजिए भैया जी, ममता दीदी और कृष बाबा की तस्वीर। सच में ममता, मैंने कितना भरोसा किया था तुम पर और तुमने ये क्या कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन मुझे अपने ही हाथों से तुम्हारे लिए पुलिस में कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। लाइए फोटो मुझे दे दीजिए। इसको मैं टीवी के अलग अलग न्यूज चैनल पर दिखा देता हूँ। लेट्स होप आपका बच्चा जल्दी से मिल जाए। तुम यहाँ? जी, मैं आप लोगों से ये पूछने के लिए आई थी कि अभी तक तो मेरे 200 रुपए आप लोगों के पास इकट्ठे हो गए होंगे। मुझे गांव जाना है, तो अगर आप मेरा हिसाब कर देते तो। हिसाब? कौन सा हिसाब? अरे तुमने जितना कमाया है ना, उससे ज्यादा तो हमने तुम पे और तुम्हारे इस बच्चे पे खर्चा किया है। देखो, तुम्हें लेना नहीं है, देना है, समझी? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम यहाँ रहती हो इसलिए तुम्हारा खाना पीना रहना फ्री है, लेकिन तुम्हारे इस 1.5 फुट के पिल्ले का नहीं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? माँ हूँ मैं इसकी, और एक माँ को मजबूर मत करना। एक विशेष सूचना, ये तस्वीर ममता की है जो कृष नाम के बच्चे को घर से अगवा करके भाग गई है। अगर आपको इसकी कोई भी खबर मिले तो हमें तुरंत संपर्क करें, खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा।